कर दीजिए 3x^4, और 3x² से जरा इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 3x² से 5/3 में करोगे तो 3 कट जाएगा और -5x² आएगा, तो -5x² इसके नीचे लिखिए, होमोजीनियस टर्म्स के नीचे लिखा जाता है, इससे इसमें मल्टीप्लाई किया 3 कट गया और -5x², इन दोनों का साइन चेंज करिए तो 6x³, और ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस के 3x² बचेंगे, बड़े वाले का साइन लगता है, किससे मल्टीप्लाई करो x² में, ये चीज आ जाए, तो आप ऐसा करो 6x से करो, तो +6x से कर दीजिए, 6x से करोगे तो 6x³, और 6x से जरा इसमें करो, 6x से -5/3 में मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 3 से कट जाएगा 2, और 5 जा -10x आ जाएगा, तो -10x कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख दिया जाए, अब इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाए तो कैंसिल हो जाएगा, सो 3x² -5 आ गया। अब देखो तो हम किससे मल्टीप्लाई करें x² में कि 3x² आ जाए, हम 3 से कर दें, 3 से करोगे x² में तो 3x², और ये बताओ कि 3 से -5/3 में करोगे तो क्या होगा, 3 कट जाएंगे और -5 आ जाएगा, तो अब इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाए, ये कट गया, 0 आ गया, 0 तो आना ही था क्योंकि जब किसी फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो आपका रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, अगर आपका डिवीजन सही है तो 0 ही आएगा, तो इस तरीके से क्यू एक्स हमको मिल गया, देखो इससे इसमें डिवाइड किया यही क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स इसका दूसरा फैक्टर हुआ, जैसे हम ये कह सकते हैं 6 = 2×3, तो 2 एक फैक्टर है और 3 दूसरा है, तो क्यू एक्स हमें मिल गया, इट इज अदर फैक्टर, 3x² + 6x + 3 इज अदर फैक्टर, तो लिख लें कि 3x² प्लस 6x प्लस 3 इज अदर फैक्टर, ये अदर फैक्टर है, तो अगर ये अदर फैक्टर है तो 3 कॉमन लो, प्लस 2x प्लस 1 इज अदर फैक्टर, ये अदर फैक्टर है, अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो क्या होगा, दैट इज x² प्लस x प्लस x प्लस 1, क्योंकि 2 है तो 2 के लिए क्या करना, यहाँ पर देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो 1 आ रहा है, तो 1 को कैसे तोड़ा जाए कि 2 आ जाए, 1 और 1 इन दोनों को जोड़ने से मिडिल टर्म और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से 1, तो यही चीज है, सो x अगर कॉमन ले लो और 1 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा, तो ये चीज़ हो गई, तो ये इसके अदर फैक्टर हैं, तो फैक्टर अगर हमें पता है तो जीरोस कैसे पता चलाए जाए, सो जीरोस आर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल, जब फैक्टर पता हो तो फैक्टर को 0 पुट कर दो तो जीरोस आ जाते हैं, x इज इक्वल टू -1 आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, तो ये जीरोस हो गए, हेंस -1 देखो ये तो फैक्टर हो गया, लेकिन अब जीरोस पता करने तो 3 तो 0 नहीं हो सकता, तो इन अंदर वाली चीज़ों को ही हमें 0 पुट करना होगा तभी तो जीरोज आएंगे, 3 तो 0 नहीं हो सकता है, तो कोई भी पॉलीनोमियल 0 कब आएगा, जो इसके और इसके 0 होने की संभावना है, तो हमने 0 पुट करके निकाल लिया, सो -1 -1 और पहले के दो कौन से थे, √5/3 एंड -√5/3 आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल,
ये जीरोस हो गए। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। कहा गया है ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाई ए पॉलीनोमियल जी एक्स। द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर्स वर द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली। सो फाइंड जी एक्स फाइंड जी एक्स। तो इस चीज का पता करना है कि जी एक्स क्या होगा। तो आपने किससे इसमें डिवाइड किया है जरा देखिए, ऑन डिवाइडिंग बाय जी एक्स। सो जी एक्स से आपने किसमें डिवाइड किया, एक्स प्लस 2 में। तो कोशेंट क्या आया जरा यहाँ देखो, कोशेंट इज एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर क्या आया बताओ, 2x प्लस 4, ये रिमाइंडर आ गया। तो अब हम डिवीजन एल्गोरिदम लगाएं। डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, जैसे 3 से 7 में डिवाइड करो तो 3 2 जा 6 और 1 आ जाता है, तो 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 1, ऐसा होता है। डिवीजन एल्गोरिदम कहती है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पी एक्स है, ये क्या है क्यू एक्स, ये क्या है आर एक्स, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आर एक्स हो गई। तो अब पी एक्स बाय डिवीजन एल्गोरिदम एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये देखो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो ये हमने लिख दिया। पी एक्स क्या है, पी एक्स ये है डिविडेंड, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। जी एक्स क्या है हमें मालूम नहीं, कोशेंट क्या आया है एक्स माइनस 2, रिमाइंडर क्या आया है माइनस 2x प्लस 4, सारी चीज लिख दी। तो माइनस 2x प्लस 4 को इधर ले जाओ, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, साइन चेंज कर दिए, ये चीज इधर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जी एक्स और एक्स माइनस 2, ये कर दिया। इसको सॉल्व करो, माइनस 3x² देखो एक्स और प्लस 2x कितना हुआ और 2 और माइनस 4 कितना हुआ, ये हुआ इट इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू दिस। तो क्यों ना जी एक्स को इधर लिखा जाए और जो मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड कर दिया जाए। तो किससे डिवाइड कर दिया जाए, एक्स माइनस 2 से। यदि हम ऐसा कर दें भाई, हमने इसको सॉल्व कर दिया, आर एक्स को इधर ले आए सॉल्व किया और इससे डिवाइड कर दिया, तो हमें जी एक्स ही तो चाहिए। देख लो सवाल में कह रहा है हमें जी एक्स चाहिए, तो डिवाइड करिए और जी एक्स पा पा लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक्स माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ। नाउ डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस 2 टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में डिवाइड किया जाए, तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा। अब देखो
एक्स स्क्वायर से इसमें करो तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस और ये प्लस, ये चीज गई, और सब्ट्रैक्ट करके माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ऐसा कर दीजिए। अब देखिए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स में तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एक्स से माइनस टू में करो तो दैट इज प्लस टू एक्स, साइन चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया और बचा एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू बच गया। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, वन से, वन से एक्स में किया तो एक्स आया और यहाँ किया तो माइनस टू आया, तो जीरो बच गया। तो जो हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने से जो आंसर आया वही जी एक्स है, तो जो क्वोशेंट आया वही जी एक्स है, तो जी एक्स क्या है, यही जी एक्स है। सो जी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो हमारा जी एक्स आ गया। जी एक्स क्या आया है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो यही कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो गया। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में और आगे कराएंगे। थैंक यू बच्चों।